आइए भक्तों, आज सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की आरती, तो एक बार बोलिए प्रेम से, मोहिनी एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशार्ग और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धूतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगत करता था। इससे जो समय बचता था वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह पूरे वेश्याओं में ही उड़ाता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करता उसका नित्य क्रम था। वह काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसने पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों के उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूखे प्यासे स्थित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन वह एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करने उसे सारी बात सुनाई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेशों से उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। तब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिए बन गया और धनुष बाण से जंगल के निराही जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूखे और प्यासे व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और टिंडे मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि ने गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्र की छींटे मात्र से इस पापी को
कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य के श्रवण व पाठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एक सहस्त्र गौ दान के पुण्य के बराबर है। तो एक बार बोलिए प्रेम से, मोहिनी एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मोहिनी एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, ये नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बढ़नी। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बढ़नी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में होए मोक्ष दा मुखदाता बन आई। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्ष दा मुखदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ
कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम अढ़ा योगिनी नाम अषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी। वैश्य यानी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम अषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी। वैश्यनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहिए। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पांपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आपे हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देव्य उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनीति पार करो नैया। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनीति पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पर्दिनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पर्दिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुण दरिद्र स्वर का वास निश्चय वह पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुण दरिद्र स्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। तो एक बार बोलिए प्रेम से मोहिनी एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। एकादशी हर माह में दो बार आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष अर्थ है। जो लोग यह व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी को भारत में सबसे शुभ त्योहार में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी सभी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। जो भक्त इस दिन श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। भक्त
सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ करें। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनका अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाए और पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का संकल्प ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के अनुसार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण और पूजा के बाद करें। गरीब व ब्राह्मणों को भोजन खिलाए और दान दक्षिणा दे। इस दिन किसी के बारे में बुरा न बोले या बुरा न सोचे तो एक बार बोलिए प्रेम से, मोहिनी एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी का धार्मिक और पौराणिक महत्व अपार है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था तो असुरों ने छल करके अमृत पी लिया। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से असुरों को मोहित कर उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। इस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे विजय हुए। इसीलिए मोहिनी एकादशी को मोह भंजन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। मोहिनी एकादशी 2024 संपूर्ण मानव जीवन में मोहिनी एकादशी के विशेषता का बहुत महत्व है। मोहिनी एकादशी एक विशेष पर्व है जो हमें मोह, लोभ और अन्य विकारों से मुक्ति प्राप्त करने का संदेश देता है। इस पर्व के महत्व को समझकर हम अति निरीक्षण करते हैं और धार्मिकता के साथ ही प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी बढ़ाते हैं। इस पावन पर्व के माध्यम से हम अपने अंदर के सकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं और समृद्धि और शांति के साथ जीवन का आनंद उत्तेजित करते हैं।